गर्ल्स पावर लेडीज जिम, जहां कार्डियो वेट मैनेजमेंट, फ्लोर एक्टिविटीज, स्ट्रेंथ और पर्सनल ट्रेनिंग, बेसिक डाइट एंड इंच कार्ड विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जिम ट्रेनिंग कोर्स पर 20% ऑफ, स्मार्ट ट्रेनिंग प्लान और फुल बॉडी चेकअप। साथ ही ब्यूटी पार्लर सर्विस और क्लास पर 30% ऑफ। फिटनेस एंड ब्यूटी लवर्स की पहचान है फॉर द बेस्ट रिजल्ट। ज्वाइन गर्ल्स पावर, बी फिट बी फैबुलस। खंबे लगा दिए ना अंदर, कुछ हम लोग की एम्बुलेंस आ सकती ना, कोई चीज आ सकती। अगर मेरे को अटैक आया, हाथ में उठा के लेके गए। उन्होंने खुद अपना एक माले पे घर तोड़ के अपनी दुकान बनाया यहाँ पे। भैया तो नहीं, जनाजा भी नहीं जा सकता यहाँ। वो एम्बुलेंस और इसके जनाजे के आड़ में ये लोग खाली गेम खेलते। नहीं होती है रास्ते में बाइक पार्किंग। पार्किंग का ठेका क्या सारा एक नंबर बिल्डिंग ने रखा है? आप डूबे बिल्डर को जाके पकड़ो। कुछ चलने की जगह नहीं है, हॉकर्स लोगों का कब्जा है। आपने देख के लेना चाहिए था ना कि टैंकर आएगा कि नहीं आएगा। विजिट करे, देखे लोगों का दर्द देखे। तो हम क्या लोगों के संडास पेशाब की बात सुनेंगे क्या इधर पे? एक भाड़े वाले को किसने अध्यक्ष बनाया? कौन मानता है उनको अध्यक्ष? तकलीफ ही नहीं है तो कुछ बात की हम लोगों गुलाबपुर में। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के गुलाब पार्क मार्केट में रास्ते पर बाइक पार्किंग और राजीव गांधी मार्केट से बुरखा गली में एंट्री करने की जगह कम होने की वजह से यहां पर काफ़ी हंगामा हुआ। एनसीपी पार्टी के कलवा मुंब्रा व्यापारी संगठन के अध्यक्ष रिजवान शेख ने बताया कि बुरखा गली में एंट्री करने से पहले राजीव गांधी मार्केट है और दोनों तरफ से यहाँ धंधा लगाने की वजह से जो बुरखा गली है उसमें आने के लिए जो एंट्रेंस है उससे जगह कम होने की वजह से काफ़ी दिक्कत होती है और अंदर गली में गाड़ियां पार्क की जा रही हैं रास्ते में ही, जिसकी वजह से इमारत में रहने वालों को काफ़ी तकलीफ हो रही है, आने जाने वाले राहगीरों को भी तकलीफ हो रही है। हालांकि रिजवान शेख ने बताया कि उनके साथ गुलाब पार्क ए विंग से लेके जो 8 विंग तक है यहाँ के सभी लोग उनके साथ हैं, उनसे शिकायत की है, लेकिन रिजवान शेख के साथ में और कोई साथ नहीं आया, सिर्फ 2 महिलाएं साथ में आई जिनका नाम यास्मीन और शगुफ्ता हैं। इन लोगों ने भी बताया कि यहाँ से आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है और रिजवान शेख ने भी क्या कुछ बताया है वो भी आपको सुनाएंगे। और इसके बाद रिजवान के खिलाफ भी हॉकर्स और इमारत में रहने वाले कुछ लोग हैं, उन लोगों ने भी अपना पक्ष रखा है, वो भी सुनाएंगे आपको। लेकिन पहले रिजवान शेख और यास्मीन और शगुफ्ता ने क्या बताया है वो सुनिए। आज गुलाब पार्क मार्केट में हमें बुलाया है, क्या समस्या है आप? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जैसे कि आपने मुझसे पूछा सवाल कि आपने बुलाया, हमने नहीं बुलाया। हमारे यहाँ पर 1 नंबर बिल्डिंग से 10 नंबर बिल्डिंग तक गुलाब पार्क मार्केट एरिया है। आपको भी पता है ये मुमरा का सेंटर है गुलाब पार्क मार्केट। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी मार्केट होने के बाद भी जो ये बीच रास्ते में बाइक पार्किंग होती है, आपने कोई और मुमरा की गली में देखा है भाई? नहीं होती है बीच रास्ते में बाइक पार्किंग, जिसके लिए हमारी यूनियन, जैसे हमारे हाजी साहब, हाजी बिलाल साहब, हाजी सायदा साहब, हाजी हनीफ साहब, हमारी जो यहाँ की गुलाब पार्क शॉपकीपर एंड हॉकर्स यूनियन है, उसके ऊपर कई बार जो है ना लोगों को समझा चुके हैं कि बीच रास्ते में बाइक मत पार्किंग करो, क्योंकि दूर दूर से यहाँ पर लोग इस्लामुद्दीन भाई आते हैं शॉपिंग के लिए। आज मुमरा का सेंटर होने के नाते मुमरा की तो मार्केट है ही है, लेकिन आज मुमरा के बाहर भी मुमरा गुलाब पार्क मार्केट का नाम है जहाँ से लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, लेकिन उनको चलने की जगह नहीं है बीच रास्ते में। वो बाइक किसकी खड़ी रहती है? सोसाइटी के जो यहाँ पे रेसिडेंट्स हैं उनकी भी है और गुलाब पार्क मार्केट के दुकानदारों की भी है। मैं सभी लोगों को बोल चुका हूँ कि जहाँ उनको बाइक पार्किंग की जगह थी वहाँ भी दुकानें लग गई, तो वो बाइक कहाँ पार्क करें? इसलिए जी तो ये मसला मसाइल जो है ना यहाँ के रेसिडेंट्स का भी है इस्लामुद्दीन भाई। ये सारे रेसिडेंस एरिया में ये मार्केट है, तो जो रेसिडेंस की जगह थी पार्किंग करने की वहाँ पर शॉपकीपर अरे हॉकर्स लोगों का कब्जा है, तो ये बिल्डिंग वाले लोगों को आप बताओ
रिजवान भाई भी आप बता रहे हैं कि एक नंबर बिल्डिंग से आठ नंबर बिल्डिंग तक जो रहते हैं उनको तकलीफ है, गाड़ी खड़ा, मैयत नहीं, जनाजा भी नहीं जा सकता है, यहाँ पर अवार्ड साहब भी आके गए देख के। लेकिन सोसाइटी में इतने लोग रहते हैं, कोई सामने तो नहीं आया, सिर्फ ये दो महिलाएं सामने, और है डर से सामने इनका आना भाई, आना इधर आ, डर से सामने नहीं आते कि डर है कि अब पता नहीं कुछ तो होगा, कुछ मसला है, को डर के सामने नहीं आते कि डर से कोई बोल नहीं पाता है। अकेले लड़ाई करना किस बात का, यहाँ एम्बुलेंस घुसना चाहिए, रिक्शा नहीं जाती है अंदर, इस्लामुद्दीन भाई अभी ये पेशेंट है, इनका पेपर देखो, ये इनको गोद में उठा के हमने मुन्ने आपा को ला के रिक्शे में यहाँ से बिठा के हॉस्पिटल लेके गए थे, बताओ मुन्ने आपा। तो आपने कार्रवाई के लिए कुछ मैं सारी बिल्डिंग की रेसिडेंस जो है ना, एक नंबर बिल्डिंग, पांच नंबर बिल्डिंग, छह नंबर बिल्डिंग, सब लोगों ने लेटर दिया, और सारे लोगों को जब तकलीफ होती है तो चले आते हैं रिजवान भाई के पास कि रिजवान भाई ऐसा मसला है, रिजवान भाई वैसा मसला है, एंट्रेंस पूरा कब्जा हो गया है। इसके पहले भी हमारे जो गोसावी साहब थे, आपने जो राजू गांधी होकर यूनियन के अध्यक्ष से बातचीत, उनको मैंने बोला, मेरे पास वीडियो है और पहले भी न्यूज में बोला हुआ है, उन्होंने क्या मांगनी किया है कि पीछे के जो लोग होंगे ना, हॉकर्स लोग जो कब्जा किए हुए हैं, उनको पहले रिजवान भाई आप खाली कराओ, फिर मैं ये रास्ता खोलूंगा, उनका बोलना ऐसा है, ऐसे गवाह है, ऐसे गवाह है, ये लोग पूछो ये लोगों से। तो मेरा बोलना है कि मेरे पास सारे लोगों का एक नंबर से दस नंबर तक के बिल्डिंग के रेसिडेंट्स रोज आके मेरे को कंप्लेन करते, इन लोगों के लेटर भी हमारे पास पड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यास्मीन अंसारी है। आप कहाँ रहते हैं? मैं गुलाब पार्क आठ नंबर बिल्डिंग में रहती हूँ। क्या मामला क्या है यहाँ पर? यही है कि मैं बीमार रहती हूँ, कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, अगर मेरे को अटैक आया या मेरे को कुछ आया तो मेरे को हाथ में ले जाके, हाथ में उठा के लेके गए। तो हम यही चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ रिक्शा तो आए, कम से कम बाइक तो आए, कुछ तो होए, हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं, तो हमको क्या है? हमारी पार्किंग में सारी दुकानें बनी है, हमारी गलियों में सारी डमी लगी हुई है, ना कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है, कुछ नहीं कर सकता। और अगर भी कब से समस्या हो रही है आपको? ये समस्या बहुत दिन से है, मगर बीमारी तो मुझे अभी दो साल से हुई है। दो साल में मैं ये बता रही हूँ कि मेरे को बहुत भारी पड़ता है, मेरे को ले जाना भारी पड़ता है, मेरे को दवा के लिए, इसके लिए, सब चीज़ के लिए मेरे को बहुत परेशानी होती है। हमारी गली के पहले स्टार्टिंग में ही ऐसी सब घेर के रखे हैं कि वहाँ ये बुरका गली है, हाँ गुलाब पार्क बुरका गली। तो यहाँ से परेशानी क्या है? परेशानी यही है कि ना जा सकते, ना आ सकते, ना कोई रिक्शा आ सकती है, ना गाड़ी आ सकती है, एम्बुलेंस का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि एम्बुलेंस हमारे यहाँ आए। ये रास्ते में डंडा गाड़ के रखे हैं, उसके डंडे की वजह से कोई आ ही नहीं सकता, ये सब चीज इधर गड़ी हुई है। रास्ते में भी बाइक वगैरह पार्क है, हाँ दुकानें, तो दुकान में जो काम करते हैं उनकी तक की बाइक है, जो काम करने आते हैं उनकी भी बाइक है, वो लोग भी बाइक खड़ी करते हैं। नहीं तो आप बोले हमको गाड़ी खड़ी करने में तकलीफ हो रही है, तो हाँ, आपके बिल्डिंग में पार्किंग वगैरह है? बिल्कुल नहीं है, जरा भी नहीं, यही है जो पार्किंग, यही गली है रखने की जगह, ये जो यहाँ पे जगह थी यहाँ पे शॉप बन गई, बन गई है सब दुकान, बन गई, ऐसे खंभे लगा दिए ना अंदर, कुछ हम लोग की एम्बुलेंस आ सकती है ना, कोई चीज आ सकती है, हमारी कोई चीज का नहीं। हमारा क्या नाम है आपका? शगुफ्ता नजीर। कितने साल से आप यहाँ? मैं तो आठ दस साल हो गए हम लोगों को। कौन सी बिल्डिंग? बिल्डिंग नंबर छः, पूजा अपार्टमेंट, बिल्डिंग नंबर छः। पार्किंग की समस्या हो रही है, मतलब पार्किंग वगैरह, जाना आना ना, पानी के कभी कोई पानी नहीं आया, मसला तो हमारे घर इधर पे पानी के लिए भी अंदर का हम लोग को कोई गाड़ी वगैरह कुछ नहीं, बिगैर पानी टैंकर अंदर नहीं आ सकती ना, कुछ है कोई नहीं, बीमार पड़ गए तो अंदर कोई नहीं, चादर के अंदर डालो ले जाओ, ये क्या है इंसान बीच में। हम लोग ने किए थे, सब करवाए हैं, पेपर भी है हमारे पास, कौन सा पेपर? म्यूनसिपल्टी में हम लोग ने दिए थे, वो पेपर भी है हमारे पास के इसके लिए, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं हुआ, कुछ कार्रवाई कुछ नहीं हुई, आते खाली चले जाते। ये देखो यहाँ पर कितनी आने जाने, कैसा आएंगे जाएंगे, इंसान जाएंगे बीमार है तो चादर के अंदर डालो ले जाओ घसीटते, आधे रास्ते में इंसान मर जाता, ये हमने अपनी आंखों से देखे। इसके अलावा जो दूसरे तरफ के हॉकर्स हैं वो रिजवान के खिलाफ सामने आए और कहा कि रिजवान शेख हमेशा सबको परेशान करता है। हॉकर्स का कहना है कि दुकान वालों के भी शेड और दुकान के सामने जो ओटे बने हैं वो बाहर हैं, उसको कम कराओ, उन पर कार्रवाई की जाए, उसके बाद गली में जो हॉकर्स हैं उन पर भी कार्रवाई कराई जाए। रिजवान शेख के खिलाफ जो इमारत में रहने वाली महिलाएँ हैं और जो हॉकर्स है उन्होंने भी गुस्सा जाहिर किया है, आपको सुनाते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुबेर है। जुबेर भाई यहाँ कुछ हॉकर्स और पार्किंग को लेकर कुछ विवाद चल रहा है गुलाब पार्क मार्केट में, हाँ तो क्या पूरा मामला है? ये मामला ऐसा है कि यहाँ के रहने वालों को कोई तकलीफ नहीं है,
यहाँ पे जो दुकान के जो कलवा मुमरा जो अपना दुकान के जो अध्यक्ष है रिजवान भाई, ये हाँ व्यापारी संघ के, ये सिर्फ खाली उनको ही तकलीफ है और वही आए दिन किसी ना किसी को मतलब तकलीफ देते रहते हैं, तकलीफ देने का काम करते हैं। अब पहली बात तो सवाल मेरा ये है उनसे कि उनको यहाँ के कलवा मुमरा का जो व्यापारी संघ का जो अध्यक्ष है वो बनाया किसने? यहाँ पे कोई भी दुकान वाला उनको मानता नहीं है अध्यक्ष, ना वोटिंग हुई है ना कुछ, सबसे पहला सवाल मेरा ये। और दूसरी बात, वो पूरे कलवा मुमरा के अध्यक्ष है, उनको खाली गुलाब पार्क क्यों दिखता है? हर बार वो सिर्फ गुलाब पार्क में क्यों आते कि ये ऐसा है वो ऐसा है? और उनको अगर इतना करवाने का शौक़ है, ये हॉकर्स वो हॉकर्स के पीछे जाते हैं, तो वो दुकान के अध्यक्ष है तो पहले उनको पूरी दुकानें जो है वो दुकानें उनको पहले उनके शटर के अंदर तक उनको अपनी हद में लाना चाहिए, ये काम पहले उनको करना चाहिए, फिर दूसरों पर उंगली उठाना चाहिए। उनका ऐसा आरोप है कि जो पार्किंग लगाई जाती है, हाँ, रेसिडेंशियल की और दुकानदार की पार्किंग, हाँ, लगती है, हाँ, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, आने आने का रास्ता बंद हो रहा है। ये जो मामला है ना भाई, ऐसा है कि हम लोगों को भी कुछ समझ आ रहा नहीं है कि ये इनका पॉलिटिक्स पे या फिर ये बाहर की जो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन है, ये इनका क्या आपस में लफड़ा है या पॉलिटिक्स का क्या मसला है, हम लोग को कुछ नहीं समझता है, लेकिन ये दोनों मिलकर ज़बरदस्ती का हम लोग को घेरते। अब ये जो बाकड़े हैं ये यहाँ पे हम लोग बिल्डिंग वालों ने लगाए हैं, सब इल्लीगल चीज़ सब हटेगी, ये हम लोग भी हटा देगा। एक ये तो अभी 3-4 साल से हुआ है, हाँ, अभी तक कभी ऐसी परेशानी नहीं, ये मतलब एक दो बार हुई है, ये लोग ही करते, ये रिजवान भाई है, इन लोग को तकलीफ। और दूसरी बात, मैं सबसे आपको मुद्दे की बात बता दूं कि रिजवान भाई जो है ये भाड़ू थे, यहाँ पे एक भाड़े वाले को किसने अध्यक्ष बनाया, कौन मानता है उनको अध्यक्ष व्यापारी संघ का, कहाँ से बन गए वो, किसी ने माना क्या? मैं ये बिल्डिंग गुलाब पार्क एक नंबर बिल्डिंग में रहता हूँ और ये सब यहाँ के रहने वाले लोग, और वो हमेशा रिपोर्टर लोग को जो बुलाते हैं, रिपोर्टर और प्रेस आपको मतलब इंटरव्यू वगैरह देते, हमेशा वो फेक पब्लिक जमा करके देते, इधर उधर के पीछे के इधर उधर के जमा करके ला के देते। अरे यहाँ के जो रहने वाले उनको खड़े रह के कभी इंटरव्यू दो ना आप। अभी कोई दो महिला से हमारी बातचीत हुई थी, हाँ, मुफ्ता है और एक यामिनी, हाँ, वो ये पूजा अपार्टमेंट में रहने वाले। अब उनका भी मैं आपको बता दूँ, वो बोल रहे एम्बुलेंस आने की जगह नहीं है, टैंकर आने की जगह नहीं, वो शगुफ्ता आपा, तो उनका मैं मसला आपको सबसे पहले बता दूं, वो यहाँ पे रहते ही नहीं है, उन्होंने खुद अपना एक माले पे घर तोड़ के अपनी दुकान बनाया यहाँ पे, हाँ, तो जब वो वहाँ पे उनकी दुकान है तो उनको खड़े रह के ये इंटरव्यू देना चाहिए कि मेरे कस्टमर आने को रास्ता नहीं है, वो एम्बुलेंस और इसके जनाजे के आड़ में ये लोग खाली गेम खेलते। और जो यास्मीन आपा है वो पीछे 7-8 नंबर बिल्डिंग में रहते हैं, अब वो लोग बोल रहे हमको पार्किंग नहीं है, अरे तो पार्किंग का ठेका क्या सारा 1 नंबर बिल्डिंग ने रखा है? आप डूबे बिल्डर को जाके पकड़ो, आपने देख के लेना चाहिए था ना कि टैंकर आएगा कि नहीं आएगा, और टैंकर 2000 से अंदर नहीं आता है, सन 2000 से, ये कोई आज का मसला नहीं है। उनका ये कहना है कि अभी तकरीबन 3-4 साल से ही परेशानी हो रही है, उससे पहले नहीं। नहीं, ये 3-4 साल से क्यों हो रही है कि 3-4 साल से रिजवान भाई अभी अध्यक्ष बने, ये इसीलिए ज़्यादा मामला करवाया है, ये दोनों अध्यक्षों का भी कुछ झगड़ा होगा, उसमें हम लोगों को पता नहीं, और हम लोगों को कुछ लेना देना भी नहीं किसी से, और हम लोग आज तक इतने साल से हम लोग कभी बाहर की मार्केट में भी कभी झांकने भी नहीं गए, हम लोग नहीं देखते। और ये वजह यहाँ पे लगाने की कुछ और है, यहाँ पे ये पूरा कब्जा हो रहा था तो ये हम लोग बिल्डिंग वाले लगाए, हाँ ठीक है, इल्लीगल है, गलत है, हम लोग मानते हैं, सब हटाओ, हम लोग भी हटा देंगे, मुद्दा खत्म हो जाता है। ये जो बाहर जो रोड पे 2-1 नंबर बिल्डिंग के बाहर जो फुटपाथ पे धंधे लगे, हाँ, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जो रोड पे धंधे लगाए गए हैं वो सब इल्लीगल तरीके से लगाए गए और आने आने का रास्ता नहीं हो रहा है। वो उनका बोलना सही होगा गलत होगा, मेरे को उसमें बीच में पढ़ना नहीं है, मैं सिर्फ अपना है कि पर्टिकुलर इसको क्यों हर बार टारगेट किया जाता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अब रिजवान भाई बोल रहे हैं यहाँ पे शौचालय बनाने का, अरे गुलाब पर अपनी दुकान में जाके बनाओ, इतना आपको लग रहा है और आप है तो फंड लो, पार्टी से लो या गवर्नमेंट से लो, और अपनी दुकान खरीद के उसमें बनाओ ना शौचालय। अब इधर आप शौचालय बनाएंगे तो हम क्या लोगों के संडास पेशाब की बात सुनेंगे क्या इधर पे? कहाँ से आप बताइए मुझे, कहाँ से यहाँ पे शौचालय बनाने की उनको परमिशन देना चाहिए? माजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजमा है। माजी आप कितने साल से यहाँ रहते हैं? ये हम लोग को 30-35 साल के ऊपर हो गए, नई बनी थी जब ही आए थे हम लोग इधर, हाँ, जब से यहाँ ये हम लोग। कुछ पार्किंग और हॉकर्स को लेकर कुछ समस्या चल रही है? हम लोग को ऐसा कोई ये नहीं है, तकलीफ कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग ने खुद, हमारे यहाँ बाकड़े है भाई, हमारे कोई है ही नहीं तो क्या करेंगे ना, हम लोग खुद बाकड़ा लगा ले सुने तो इसके लिए। और अभी हम लोगों को यहाँ भी बोले तो चलो क्या है, हम लोग तकलीफ ही नहीं है तो कुछ बात की, हम लोगों गुलाब पर में ये सब हमारे साथ वाली ये बच्चे हमारे यही सुने